जिस तरह पिछले 3 साल ज़ाया किए गए, इस तरह नर्सिंग यूनिवर्सिटी भी यहाँ पर बंद हो गई, कोई काम नहीं हुआ। और उसके लिए भी हमने आज फैसला किया है कि नर्सिंग यूनिवर्सिटी 1 साल के अंदर उसको मुकम्मल किया जाएगा। मुझे जो मुतल्लिका अहकाम हैं उन्होंने इस बात के यकीन दिलाया और इंशाअल्लाह न सिर्फ इस हस्पताल की जो नर्स की जो ज़रूरियात हैं उनको पूरा किया जाएगा, बल्कि पंजाब में, बल्कि पाकिस्तान में जहाँ जहाँ उनकी ज़रूरत होगी वो इंशाअल्लाह पूरी की जाएगी और वर्ल्ड क्लास ये यूनिवर्सिटी होगी। इसके अलावा जो हमारा ख्वाब था कि इसको जॉन हॉपकिंस हॉस्पिटल बनाया जाए, वो ख्वाब यानी अधूरा हो गया। पिछले 3 सालों में तितर बितर हो गया, इसलिए कि जो हुकूमत थी वो पूरी इस कोशिश में थी कि मुस्लिम लीग हुकूमत के ज़माने के जो लोग जहाँ पर भी थे अच्छे काम करने वाले, मिसाल के तौर पर ये एक मुमताज़ शख्सियत, फरिश्ता सिफ्त इंसान जो मैं हमेशा कहता हूँ, इनको इसलिए फारग किया गया कि यह हमारी हुकूमत मुस्लिम लीग नून की हुकूमत लेके आई थी, नवाज शरीफ की हुकूमत में आई थी, और उस गुस्से में और उस हेट में इनको यहाँ से बदल दिया गया और तमाम लोग यहाँ से चले गए। पता नहीं डॉक्टर साहब, डॉक्टर डार साहब किस तरह वापस आए, इनकी हम बहुत ममनून हैं कि कम से कम इन्होंने एक बंद अस्पताल को जिसके ऊपर 20 अरब रुपए खर्च किए गए थे और किस तरीके से उस वक्त उस ज़माने के जो थे अपना चीफ जस्टिस, वो बार बार यहाँ पर आए और उन्होंने कहा कि 20 अरब रुपया लगा तो यह कहाँ खर्च हुआ। एक धेले की करप्शन, नैब उल्टा हो गया और रात दिन यहाँ पर हज़ारों कागजात की जांच पड़ताल हुई इन 4 सालों में, एक धेले की करप्शन नहीं निकाल सके आज तक एज आई स्पीक, मगर अस्पताल को बर्बाद कर दिया गया।